सो आप सबने 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बीच में रेजिस्टेंस का नाम तो जरूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा 2 से 3 बार। लेकिन आपको पता है कि रेजिस्टेंस का जो जिगजैग सैम्बल होता है, यानी कि ये वो जिगजैग ही क्यों बनाते हैं और किसी तरीके से क्यों नहीं बनाते हैं? आखिर इसके पीछे क्या रीजन है कि इसका जो सैम्बल है उसको जिगजैग क्यों बनाते हैं? सो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। सर, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि रेजिस्टेंस जो है रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, और दूसरी भाषा में कहें तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, यानी कि करंट को रोकता है उस पाथ से जाने में जहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, यानी कि ब्रेकर का काम करता है। सो सिंपल चीज़ होगी। अब रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ होता है? तो रेजिस्टेंस जो होता है वो हर चीज़ में होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, जैसे कि मेरे पास कंडक्टर है, इसका क्या रेजिस्टेंस होगा खुद का अपना, और हमारी अर्थ का होता है, और जितनी भी चीज़ें होती है सबका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ का ज़्यादा होता है कुछ का कम होता है। किस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो इससे समझते हैं। जैसे कि मेरे पास ये कंडक्टर है, अब ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इसके कंडक्टर पर, यानी कि इसका मटेरियल कौन सा है, यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ठीक। और दूसरी चीज़ इसकी लेंथ कितनी है, ठीक। तीसरी चीज़ क्या होती है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। ये सारी चीज़ डिपेंड करती हैं। सो इससे निकल के आता है एक फॉर्मूला, यानी कि R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक। इस फॉर्मूले से डिसाइड करते हैं कि किस बॉडी का कितना रेजिस्टेंस है, उसकी सारी चीज़ों को मेजर करके फिर कैलकुलेट किया जाता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। सो ये चीज़ क्लियर हो गई कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब बात करते हैं कि इसके जो सैम्बल को जिगजैग क्यों बनाते हैं। सो सिंपल सी बॉडी है, सो इसके इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होंगे सिंपली, कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सारे अपने अपने ही ऑर्बिट्स में राउंड कर रहे होंगे, ठीक। लेकिन क्या करेंगे, अगर जैसे ही सेम इसमें सप्लाई को कनेक्ट करते हैं वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपनी किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, जिग जैग, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न कि इस वजह से रेजिस्टेंस का जो सैम्बल है वो हमेशा जिगजैग बनाया जाता है। सो ये बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस का सैम्बल जो है जिगजैग हमेशा क्यों बनाया जाता है और किसी टाइप का क्यों नहीं बनाया जाता। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके बताइए। सो इसका प्लेलिस्ट एक शुरू करने वाला है। सो रेजिस्टेंस से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सो हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही रेगुलर वीडियोस लाते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।